अगर कोई बार बार आप में कमी निकालता है, आपकी बुराई करता है और उसका मकसद सिर्फ आपको नीचा दिखाना है, आपको समझ नहीं आता ऐसी स्थिति में आप उसे कैसे हैंडल करें या उस व्यक्ति को क्या जवाब दें, तो यहाँ कुछ टिप्स बताए गए हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करें। पूरा सुनिएगा प्लीज़ दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ मेरे इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखाता है तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह दुष्ट व्यक्ति होता है जो अपनी बुराई देखकर भी नहीं देखता और दूसरों की छोटी से छोटी कमी देखने के लिए व्याकुल रहता है। ज़्यादातर लोगों का सामना ऐसे लोगों से होता ही रहता है जो समय समय पर हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। या ऐसे लोगों से डील कैसे करें, उन्हें हम कैसे हैंडल करें, जो उनका फ़ायदा कैसे उठाएं, आइए जानते हैं चाणक्य ने क्या बताया है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कभी किसी भी इंसान की बुराई करने से पीछे के मकसद को समझें कि वह आपको नीचा क्यों दिखाना चाहता है या आपको बेहतर बनाना चाहता है। इसके लिए चाणक्य कहते हैं, जब भी कभी कोई आपकी बुराई करे तो आपको अपना बचाव नहीं करना चाहिए, बल्कि बुराई करने वाले से अपनी उस कमी के बारे में पूछना चाहिए और चुपचाप ध्यान से अपनी उस कमी को सुनना चाहिए। सामने वाला यदि आपको आपकी कमियां बुराई बता दे तो फिर उन बुराइयों को दूर करने का उपाय भी पूछो और उपाय बताने के तरीके से भी पता चलता है कि सामने वाला हमें नीचा दिखाना चाहता है या वह हमें सच में बेहतर बनाना चाहता है। सामने वाले ने आपसे कुछ गुस्से में या गुस्से वाली बात कह दी जिससे आपको गुस्सा आ गया और आपने गुस्से में भी कुछ ऐसी बात कह दी जिसे बाद में आपको ही पछताना पड़े। इसलिए गुस्से में जवाब ना दें, अपना दिमाग शांत रखें और बुद्धिमत्ता से काम लें। यदि आपको कोई नीचा दिखाने के लिए आपकी कमी या बुराई करता है तो ऐसे में उस सामने वाले व्यक्ति को ऊंचा दिखाकर आप उसे नीचा दिखा सकते हैं। इसमें बुराई करने वाले की बुराई कर दी जाती है। सामने वाले को नीचा दिखाते समय कभी भी उसके परिवार से जुड़ी गालियां ना दें, बल्कि उस वक्त अपने गुस्से को शांत रखें और संयम से काम लेते हुए सोच समझकर अच्छा सा मुंह तोड़ जवाब दें।